हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुंबई का पॉपुलर स्ट्रीट फूड जो कि है बैदा रोटी। बहुत ही अमेजिंग ये बनके तैयार होता है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लिए आटा रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया हुआ है। इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, और फिर इस आटे को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पर ही गूंदना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पंचेस लगाते हुए इसे गूंद लेना है। बीच बीच में थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी, जिससे कि हम इस पराठे में ना अंदर से सॉफ्टनेस आएगी और ये ऊपर से थोड़े से क्रिस्प से बन जाएंगे। तो ऑयल लगाते हुए इस पर और पंचेस लगाएंगे और इसे रेडी कर लेंगे। और इस आटे को ना रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैदे के अंदर ग्लूटेन डेवलप होता है, जिससे ये स्ट्रेची सा हो जाता है। तो यहाँ हमने आटा रेडी कर लिया है, इसके सरफेस पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। और फिर यहाँ पर पैन में मैंने ऐड किया है 2 चम्मच के बराबर तेल। तेल में ऐड कर रही हूँ प्याज, 1 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से बारीक चॉप करके लिया हुआ है। प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लीजिए। बस इसका हल्का सा हमने कलर चेंज करने तक ही फ्राई करना है। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाता है, इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ी सी हम इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे, अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फिर फ्राई करने के बाद इसमें मैं कीमा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स कीमा लिया हुआ है, जिसे अच्छे से वॉश करने के बाद छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका पानी निकल जाए। यहाँ आप चिकन के कीमा, बीफ का कीमा, मटन का कीमा, कोई भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। और फिर कीमे को हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसी तरह पकाएंगे। इसमें काफ़ी सारा पानी होता है जो रिलीज़ होता है, तो इसे ड्राई होने तक हमने पका लिया है। तो जैसे ही इसका पानी पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कि यूँ हैं। 1.5 चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 चम्मच लिया कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच लिया है गर्म मसाला नमक टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा सा हमने चाट मसाला भी ऐड किया है। सारे मसालों को कीमे में ऐड करेंगे, साथ ही में इसको थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने 1/2 नींबू का रस ऐड किया है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये अच्छे से कंबाइन हो जाए कीमे के साथ। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और फिर इसे मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कीमे को 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया, ताकि ये पूरी तरह से गल जाए। फिलिंग हमारी रेडी है, इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर जो हमने मैदा गूंदा था, इससे मैंने ये 5 बड़े साइज़ के पेड़े बना लिए। इस पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे, ताकि ये अंदर तक सॉफ्ट रहे। तो चलिए, अब इसे हमने बेल लेना है। तो सरफेस पर थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इसे बेलना है। अगर आपको ये थोड़ा सा हैंडल करना डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप सूखा मैदा लगाकर भी इसे बेल सकते हैं। लेकिन हमने देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पर गूंदा है, इसलिए ये बहुत आसानी से इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है। तो हमें इसे पतला सा इस तरह से गूंद लेना है। फिर साइड में एक अंडा लिया है, अंडे में ऐड करेंगे थोड़ा सा प्याज, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, और फिर जो कीमे की फिलिंग हमने बनाकर रखी हुई थी ना, उसमें से 2 से 3 चम्मच के बराबर इसमें मैंने कीमे की फिलिंग भी ऐड कर ली है। इसे अच्छे से फेंट लेना है, कीमे को अच्छे से एग के साथ कंबाइन कर ले। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने पराठा बनाया हुआ है, उसके सेंटर में हम इस तरह से ये फिलिंग डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच के बराबर फिलिंग इसमें ऐड की है। अच्छे से अरेंज कर लेंगे और फिर इसके साइड्स को अच्छे से पैक कर लेना है, सिक्योर कर लेना है। तो हमने आटा काफ़ी सॉफ्ट सा लिया है, तो ये बहुत आसानी से इस पर स्टिक हो जाता है। आपको कुछ भी अलग से पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हमने चारों ही साइड से इसे अच्छे से सील कर लिया है, अच्छे से पैक कर लिया है। और फिर यहाँ एक पैन में ऑयल ऐड करेंगे और इस पराठे को इस पर डाल देना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे, और जैसे ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसे पलट कर दूसरे साइड से भी फ्राई करेंगे। सो 3 से 4 मिनट तक मैं इसे इसी तरह से हर साइड से हम इसे पलटते हुए सेक लेंगे। तो देखिए, इसके एजेस को भी हमने अच्छे से पका लेना है, ताकि ये कहीं से भी मैदे का कच्चापन ना लगे। तो मैंने इस बैदा रोटी को सभी साइड से पलटते हुए अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई किया हुआ है। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा हुआ है। तो देखिए, इस पर अच्छा सा कलर आ चुका है, सभी साइड से ये अच्छे से फ्राई हो गया है और ये रेडी है। हमने इसे शैलो फ्राई ही किया, डीप फ्राई नहीं करते हैं। तो जो स्ट्रीट पर बनते हैं, वो भी इस तरह से तवे पर ही बनते हैं। तो चलिए, अब इसे कट कर लेते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ये बहुत ही क्विक और मज़ेदार सी बैदा रोटी बनके तैयार हो चुकी है। आप भी इस तरह की ये अमेजिंग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे हम
प्याज नींबू पुदीने और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर लेंगे। और इसी सेम फिलिंग के साथ हम एक और रेसिपी बना सकते हैं जो कि है कीमा रोल्स, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये लीजिए, हमारा बैदा रोटी बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब बना लेते हैं कीमा रोल्स, जिसके लिए हमने जो आटा लिया था इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। थोड़ा सा मैंने हाथों से इसे फ्लैट किया हुआ था और फिर ऑयल सरफेस पर लगाकर इसे बड़े साइज में अच्छे से बेल लेना है। तो देखिए काफ़ी स्ट्रेची सा होता है, जब आप इसे हाथ से इस तरह से स्प्रेड करेंगे ना तभी ये आसानी से सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। तो एक बड़े साइज़ में स्प्रेड करने के बाद एक अंडा लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके इसे अच्छे से फेंट लेंगे। और फिर क्या करना है, यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है हमने और इसके हम एक ऑमलेट तैयार कर लेंगे। तो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखकर इसे डाल देना है और फिर इसे पूरी तरह से पैन में फैला दीजिए, क्योंकि हमें ये जो ऑमलेट है थोड़े बड़े साइज़ में चाहिए। तो इस तरह से पूरा फैला दिए, प्लेन ऑमलेट ही बनाना है, प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे। और जैसे ही ये एक साइड से अच्छे से सिक जाता है, अच्छे से फ्राई हो जाता है, पलट लेंगे, दूसरे साइड से भी इसे फ्राई कर लेना है। सो देखिए हमारा अंडा दोनों ही साइड से हमने फ्राई कर लिया है। अब क्या करूँगी मैं, फ्लेम को ऑफ करके इसे सेंटर से हम इस तरह से कट कर लेंगे, क्योंकि ये एक अंडे से एक ऑमलेट से हम दो रोल्स तैयार करेंगे। अगर आप अंडा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप एक पूरा अंडा एक रोल में यूज़ कर लीजिए। तो इस तरह से सेंटर में हम ये ऑमलेट रख देंगे और फिर जो कीमे की फिलिंग है उसे भी सेंटर में डाल देना है। थोड़ा सा अरेंज करेंगे और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ, साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा प्याज भी ऐड करेंगे। और फिर इसे हमें टाइटली आराम से इस तरह से रोल कर लेना है। तो इसे सिक्योर अच्छे से कर लीजिए कि कहीं से भी ओपन ना हो, सभी साइड्स को अच्छे से पैक कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस रोल को बना लेंगे। तो देखिए एक ही फिलिंग से हम आसानी से ये दो तरह के स्ट्रीट फूड बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि है कीमा रोल्स और बैदा रोटी, और दोनों ही टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। और हाथों से थोड़ा हल्का सा इसे रोल करके फिर ये पैन में हमने इसे डाल देना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे और फिर पलटते हुए सभी साइड्स पर टर्न कर लीजिए। हमने रोल काफ़ी बड़े साइजेस में बनाए हैं, इसलिए इस तरह से 2 चम्मच की मदद से हम इसे रोल करते हुए सभी साइड से सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखकर ही फ्राई कीजिए, अदरवाइज़ कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाता है, कहीं से ये लाइट रहते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छे से सभी साइड से बिल्कुल क्रिस्प सा फ्राई कर लिया है। और अब इसे निकाल लेते हैं और इसे भी कट करके सर्व कर लेते हैं। तो आप भी ये अमेजिंग रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए इन रमज़ानों में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कीमे के स्नैक्स बहुत पसंद आएंगे। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम बाय बाय एंड टेक केयर।